भारतीय ज्योतिष में आपका स्वागत है। हम आपको आज एक ऐसी वीडियो दिखा रहे हैं। अक्सर हमें लोग कहते हैं कि आप कोई ऐसी वीडियो बनाओ कि जैसे उनका रिमोट बॉक्स पे काम नहीं कर रहा और चैनल चेंज नहीं होते, तो उसके लिए मैं आपको आज वीडियो बना रहा हूँ। वो ऐसी वीडियो है जो कि आपके काम आएगी। उसमें आपको मार्केट से रिमोट नहीं लाना पड़ेगा। लोग अक्सर देखते हैं कि जब रिमोट काम नहीं करता तो मार्केट में जाकर नया रिमोट ले आते हैं, जहाँ अपना बॉक्स रिपेयर कराने के लिए ले जाते हैं शॉप पे। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इजी तरीके से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास एक रिमोट है। ये मैं दूसरे अपने बॉक्स पे ट्राई कर चुका हूँ, ये उस पर बड़ी अच्छी तरह कार्य कर रहा है। ये मेरे पास ये दूसरा बॉक्स है जिस पे रिमोट काम नहीं कर रहा। ये देखें, मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। ये रिमोट है, ये देखें, ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर ब्लिंक करना चाहिए। ये देखें, ये इस पर देखिए आप काम नहीं कर रहा। ऐसी प्रॉब्लम अक्सर आ जाती है। लोगों ने मुझे कहा था कि इसके लिए आप कोई नई वीडियो डालो, तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये देखें, ये काम नहीं कर रहा, इस पर इस बॉक्स के अंदर फॉल्ट है। ये देखें, अगर इसको बॉक्स को आप मैकेनिक को दिखाओगे तो कम से कम 200-300 रुपये आप से ले लेगा, फिर भी प्रॉपर तरीके से ये बॉक्स काम नहीं करेगा। रिमोट बिल्कुल ठीक है, ये देखें, पर बॉक्स काम नहीं कर रहा। इसके लिए आपको मैं बताऊंगा, इसका सलूशन आपको बताऊंगा। इसके लिए मार्केट से एक IR होता है, वो आपको लाना पड़ेगा जिससे ये रिमोट काम करेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ IR के पर। तो लीड जैसे नज़र आ रही है, ये IR है। ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान से, मार्केट से मिल जाएगा। लगभग इसकी कीमत 100 रुपये के करीब है। ये देखिए, आपको मैं इसको ओपन करके बता रहा हूँ। ये घर पे ही आप इसको, जो अगर आपका रिमोट काम नहीं कर रहा तो आप इसको चला सकते हैं। ये देखें, इसके साथ लीड है, ये देखें, ये एक पिन है, ये एक सेंसर है। इससे ये रिमोट जो आपका बॉक्स के साथ काम करेगा। ये देखें, ये इसको आपने कैसे लगाना है मैं आपको बता रहा हूँ। वायर इसकी काफ़ी लंबी है, ये देखें, ये देखें, बॉक्स के पीछे एक होल है, इसके ऊपर IR इन लिखा हुआ है। ये देखें, आपने ऐसा करना है, ऐसे इसको मार्केट से ले आना है, और ये देखें होल है ना, ये पिन को ऐसे हमने ऐसे अटैच कर दिया, ठीक है जी। और इसको आपने, अगर आपके पास TV है तो ऐसे TV के ऊपर चिपका देना है। ये पीछे गम लगी हुई है, इसको उतार देना है, इसको ऐसे उतार के यहाँ पर एक गम लगी हुई है, ऐसे आपने चिपका देना है। जहाँ से आपका एंगल सही बनता हो वहाँ पर आपने चिपका देना है। अगर LED है तो LED के ऊपर आप लगा सकते हैं, LCD है उसके ऊपर लगा सकते हैं, जैसे भी। अब ये लग गया है, आपको मैं बताऊँगा। ये देखिए, रिमोट का काम कर रहा है हमारा, अभी बताऊँगा। ये रिमोट है, इसको ऐसे रख के मैंने यहाँ पर रखा है। ये देखिए, ये देखें, ये रिमोट जो है काम कर रहा है। इस पर चैनल चेंज होने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए IR की तरफ, आप इसको कहीं भी आप ऐसे लगा सकते हैं, कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं। वैसे इस रिमोट बॉक्स को आप अगर मैकेनिक के पास भेजेंगे तो आपका खर्चा 200-300 रुपये और 2-3 दिन के बाद अगर आपको देगा वो। इसका एक दूसरा मेथड भी है रिपेयर का, पर उसके लिए आपको ये बॉक्स ओपन करना पड़ेगा। जो तो लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक का काम जानते हैं वो तो बिना IR के बिना भी इसको रिपेयर कर सकते हैं बॉक्स को। वो मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन है
बॉक्स के, तो आप बॉक्स के लिए आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप कृपया कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।